please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. रेडियो जिंदगी 1550 एम पे आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ इन दिस बहुत ही वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। जी हाँ, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने तो बातें ऑलरेडी सुन लिए है और अपने जिंदगी को भी आपने सुधार लिया है शायद नंबर्स के जरिए, पर अभी जिंदगी के साथ साथ जिंदगी जहां पे होते हैं वो घर को भी सुधारना चाहिए, वो रिलेशनशिप को भी सुधारना चाहिए और हमारे आसपास में सभी रिश्ते नाते और सभी चीजों में थोड़ा बहुत और खुशी की तड़का डालना है, राइट। और इसीलिए तो आप हमेशा जुड़े रहते हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के साथ। जी हाँ, रेवा कुमार वही नाम जिन्हें आप अगर अपने जिंदगी में लेके आते हैं तो आपको पता है कि वास्तु साइंस के जरिए आपके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाते हैं, राइट। अगर आप रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत टिप्स पूछना चाहते हैं ऑन एयर, तो रेडियो लाइन जो हमारे स्टूडियो लाइन है दैट इज ओपन जस्ट फॉर यू 5107701550 पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि शुरुआत में मुझे रेवा जी से काफी सारे बातें पूछनी है और थोड़ा बहुत गुफ्तगू भी करनी है। आई विल ओपन द स्टूडियो लाइन राइट आफ्टर अ लिटिल वाइल। तब तक आपको ये भी बता दूं कि अगर आप रेवा जी को अपने घर में अपने परिवार में लेके जाना चाहते हैं और इनके जरिए जिंदगी में और भी ज्यादा खुशियां पाना चाहते हैं, वास्तु जो भी डिफेक्ट्स है या फिर वास्तु के जरिए छोटा मोटा चेंजेस करके यू वांट टू गेट मोर एंड मोर आउट ऑफ योर लाइफ, तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। आई रिपीट 5108683338। या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। जरूर चेकआउट करें divinevastu.net, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। पर फिलहाल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में जाके लेने का क्या जरूरत है जब इन्फॉर्मेशन का जो गोल्ड माइन वो हमारे साथ यहां पे रेडियो जिंदगी स्टूडियो में ही मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेवा कुमार के बारे में। एवर स्माइलिंग, वेरी हेल्पिंग एंड वेरी स्वीट पर्सनलिटी, रेवा कुमार, वेलकम टू योर शो डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। थैंक यू रेनी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और हमारे प्यारे भरे प्यार लिसनर्स, आप सबको भी मेरा हमेशा की तरह प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, एक बात कुछ भी बताने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ सबको, कोई भी प्रोग्राम कभी सफल नहीं होता है अगर उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। और हमारा ये जो बहुत ही अमेजिंग सा प्रोग्राम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, मुझे पता है कि काफी सारे आपके फैंस हैं, आपके क्लाइंट्स हैं जो हमेशा यहीं पे होते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारे इस शो को, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। एक तो है हमारे अरोमा कुजीन वाले, अमेजिंग डोसा प्लेस, अगर आप कैस्ट्रो वैली जाते हैं तो जरूर वहां पे जाइए अरोमा कुजीन। और साथ ही साथ इंडिया फूड मार्केट सैन ब्रूनो, वहां पे भी आपको जाना चाहिए क्योंकि अगर आप इंडियन ग्रोसरी चाहते हैं सही दाम पे सबसे बेहतरीन चीज आप लेना चाहते हैं तो सैन ब्रूनो में इंडिया फूड मार्केट जरूर जाइए। दे आर द प्राउड स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, और उनको थैंक यू कह के शुरू करना चाहती हूँ आज के इस अमेजिंग एपिसोड। मैं रियली शुक्रिया अदा करती हूँ अरोमा क्यूजिन का, साथ ही साथ इंडिया फोर के मार्केट में तक्तिका और उसके साथ में अपने सभी लिसनर्स का। ये वो लिसनर्स हैं हमारे प्यारे कि जिन्होंने हमें जिंदगी के इस मुकाम पे हमें लेकर आए हैं और हमेशा एक तरह की कह सकते हैं कि मेरी ताकत हैं ये मेरे लिसनर्स। जी हाँ, वो तो है ही, और आप बहुत बड़ी ताकत हैं क्योंकि जोड़ती हैं इनको आप। जी, द फीलिंग इज म्यूचुअल, सभी को पता है। और एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत बार हमारे लिसनर बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि रेवा जी आप क्यों बस बे एरिया में ही रहते हैं और यहां से बाहर जहां पे इनके दोस्त रिश्तेदार कोई भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं तो उनके पास भी ये आपको लेके जाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए एक बहुत ही अमेजिंग से बात वो ये है कि आप जा रहे हैं टेक्सस और न्यूयॉर्क न्यूजर्सी, डेट जरा आप मुझे बताएंगे। एक्चुअली
आपने बता दिया है, तो लेट मी शेयर इट विद ऑल माय लिसनर्स। अगस्त 9th से लेकर अगस्त 12th रेवा जी होने वाले हैं टेक्सस में, डलस में जा रही है रेवा जी। अगर वहां पे आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, जहां पे आपको लगता है कि वास्तु एक बारी चेक करवाना चाहिए या फिर दे वांट टू कंसल्ट रेवा कुमार, तो फिर जरूर उन्हें बताइए। या फिर अगर आप वहां से भी सुन रहे हैं तो फिर हमें कॉल करके एंड रेवा जी से कॉल करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स ही कर लीजिए। यू विल बी डिलाइटेड टू मीट हर इन पर्सन। साथ ही साथ अगस्त 28 से लेके सितंबर 1st तक रेवा जी विल बी इन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी। जी हाँ, तो अगर आप उस एरिया के रहने वाले हैं जरूर इनसे संपर्क कीजिए एंड यू विल गेट द बेस्ट। क्योंकि एक बात रेवा जी, मुझे पता है आप मुझे बोल रहे हो कि ओके अभी चुप कर, बट एक बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि काफी बार ऐसा होता है कि आप रेडियो में कॉल करके सवाल तो पूछ ही लेते हैं, पर रेवा जी पता नहीं, सिक्स सेंस तो सभी के होते हैं, छोटा मोटा यू नो होते ही रहते हैं, पर रेवा जी पता नहीं आपका 6th, 7th, 8th, 9th कौन सा सेंस है जिससे आप सेंस कर लेती है कि कहां पे, किसी जगह पे, किसी घर पे, किसी प्लॉट पे, किसी वेयर हाउस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। शायद हम आपको कभी बताते भी नहीं है, पर फिर भी आप वहां पे जाते ही यू कैन सेंस इट। सो आई डोंट नो वेदर दैट इज हिडन वास्तु और नॉट, पर मुझे पता है ये तो एक हिडन सेंस है जो बस आप में ही है। और इसीलिए तो सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी टेक्सस या फिर न्यूयॉर्क न्यूजर्सी पे रहते हैं, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, तो फिर ऑफकोर्स आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। और एक बात, काफी बार हम ये भी सोचते हैं कि हम बस घर के लिए ही वास्तु करवाएं, पर ये बात भी सही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल तो रेवा जी आप हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हो, आप डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हो, यू नो इट इज सो नाइस टू नो दैट पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर यू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वास्तु विच इज अ साइंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू ऑलवेज से एंड दे आर टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो ये जान के मुझे भी बहुत खुशी होती है और आई नो फॉर श्योर कि हमारे जो लिसनर है, जो क्लाइंट है आपके, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू गेट इन टच विद यू रेवा जी। तो क्यों ना यही जो मौका है वो हमारे लिसनर्स को भी दिया जाए। आपने बहुत ही अच्छा कहा हरिनी, बिल्कुल सही बात है कि आजकल मेरे साथ में जुड़े हुए जो क्लाइंट्स हैं हमारे, मैं क्लाइंट्स भी कहूँ या उन्हें कहूँ कि मेरे को बहुत, मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जी हाँ, मेडिकल के काफी हम फील्ड में लोग हमारे साथ हैं, स्पेशल डॉक्टर्स, काफी डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। किसी को सेटअप हॉस्पिटल का करना है, क्लिनिक का करना है, जिसकी हम ज्यादा से ज्यादा पूरी केयर करते हैं कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट मिले। क्योंकि वास्तुशास्त्र बिलीव करता है दैट डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट बट कॉस्मिक फोर्सेज एंड द एनवायरमेंट हील द पेशेंट। दैट्स वाई इवन दे एग्रीज। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर भी साइंस पे बिलीव करते हैं कि यस इट इज ट्रू, क्योंकि कुछ डायरेक्शन से जहां उनको पॉजिटिव मिलता है, जहां पे यहां, क्योंकि पेशेंट अगर आ रहा है तो कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, एक डर, एक फियर में होता है। अगर वहां अगर उसके डॉक्टर के यहां से अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, क्योंकि सबसे अच्छे देखा जाए तो नोबल कॉज सबसे अच्छी जॉब है दैट इज का डॉक्टर्स का, क्योंकि वो आपको कहते हैं ना कि जान डालते हैं आपके बीच में। तो उस समय जरूर आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि वास्तुशास्त्र को अगर हम फॉलोअप करते हैं तो हम इन्हीं डायरेक्शन से प्रॉपर कॉस्मिक फोर्स को लेके, एनवायरमेंट को लेके हम इसके अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। दैट इज सो वंडरफुल। रेवा जी एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है लिरिक्स अगर आपको भी याद है तो, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, और उसी सपनों की महफिल में आप लोगों को लेके जाते हैं और पता नहीं क्या क्या रंग वहां पे होते हैं, इतना कलरफुल सपना होता है, वो सपना सच भी हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर हो या फिर लॉयर, बिजनेसमैन हो या फिर हमारे जैसे आम इंसान, हम सभी आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं और वास्तु साइंस को अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं। तो एक बार फिर से सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप भी रेवा जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जस्ट अ सिंपल फोन कॉल 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। जरूर चेकआउट करें divinevastu.net, और स्टूडियो लाइन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। वैसे काफी सारे कॉलर्स तो है ही, पर इससे पहले कि मैं कॉल्स लेना स्टार्ट
बात करूं, मैं बात करना चाहती हूं आज के टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिवा जी, जो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर को भी पसंद आएगा। हमारे बहुत सारे लिसनर इसके पहले भी उन्होंने कॉल किया, दे डोंट वॉन्ट टू रेंट अ हाउस, दे डोंट वॉन्ट टू बाई अ हाउस, दे वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। तो हमारा जब हम छोटे थे तो हमेशा सुनते थे मम्मी पापा के पास कि एक घर बनाना है, खरीदना तो बाद में आए पर बनाना है। तो एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, पर कहीं पे बनाना है। पर कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो प्लॉट्स होता है या फिर वो जो लॉट होता है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। स्पेशली आपने बहुत दिन पहले एक बार जिक्र किया था कि सॉइल में कभी एनर्जी का प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो कैन वी टॉक अबाउट इट टुडे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात करी रिनी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और जरूर शेयर करना चाहूंगी मैं अपने सभी लिसनर्स के साथ में। दिस इज राइट कि हर किसी का एक ख्वाब होता है अपना घर बनाना, घर बनाना, घर होना सब सही है, लेकिन बनाना जो आप अपनी पसंद का, अपने मुताबिक, अपने तरीके से जितना सुंदर चाहे बना सकते हैं। और उस घर को बनाने के लिए आपको उस अर्थ की, जमीन की तो जरूरत होती ही होती है। अब उस अर्थ जिसके ऊपर में ये बिल्डिंग खड़ी होनी है, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि घर जो एक बहुत ही सुंदर वर्ड है, घर, घर, GHAR, घर, हाउस, होम, हर किसी का एक ख्वाब होता है, छोटा इंसान हो चाहे बड़ा हो, सबकी एक ख्वाहिश होती है। अब लॉट है, अर्थ है हमारे पास में, बिल्कुल आर्किटेक्ट आपका डिजाइन करते हैं, दैट्स वेरी गुड, और आर्किटेक्ट ही डिजाइन करके आपको कंस्ट्रक्शन आपकी बिल्डर से कराते हैं, जो भी कॉन्ट्रेक्टर होता है। लेकिन उस समय जिस समय आर्किटेक्ट आपका मैप बनाते हैं, उस समय बहुत जरूरी होता है अगर आप भी आर्किटेक्ट के साथ में बैठ के, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को साथ में लेकर बैठे, ताकि इट शुड बी बेस्ड ऑन वास्तु प्रिंसिपल्स, मीन्स कि हम लॉट से लेके उसकी सॉयल से लेके एंड तक अगर आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को लेके आर्किटेक्ट के साथ ज्वाइन करके चलते हैं तो आप उसको बहुत ही खूबसूरत घर बनाते हैं। रिनी, मेरे साथ में काफी यहाँ पे लॉट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ और दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स A to Z। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा लॉट है क्या उसकी प्रॉपर शेप है कि नहीं। प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर वो प्रॉपर शेप नहीं हो, एक्सटेंडेड हो, क्योंकि अगर आपके पास में लॉट है तो हम अपने हिसाब से उसकी प्रॉपर डायरेक्शन बना सकते हैं कि हमें नॉर्थ फेसिंग चाहिए एंट्रेंस, ईस्ट चाहिए या नॉर्थ ईस्ट, जैसी भी एंट्रेंस हमारे लिए फेवरेबल हो। सेकेंड, अगर वो प्लॉट स्क्वेयर या रेक्टेंगल है तो दैट इज दी बेस्ट। कई बार हिल्स पे भी हमें अगर लॉट मिल जाता है या एक्सटेंडेड है या डिप्रेस्ड है तो उस समय एक वास्तु एक्सपर्ट की बहुत जरूरत होती है। बिकॉज मैं ये नहीं कहना चाहती कि आर्किटेक्ट्स दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो पूरा आपकी बिल्डिंग का बनाते हैं, मैप बनाते हैं, अब वो हर कॉर्नर को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स जहां हमारे को नॉर्थ ही छोड़कर अगर बाकी कॉर्नर एक्सटेंडेड मिल जाते हैं तो उसको हम जरूर आर्किटेक्ट को मैं रिकमेंड करती हूँ, एडवाइज करती हूँ कि एटलीस्ट जो कॉर्नर एक्सटेंडेड है उसको प्रॉपर शेप कर दी जाए, फिर उस घर को बिल्टअप करें और जहां हमारे को साउथ या वेस्ट मिले वहीं पे हम एलिवेटेड कर दें ताकि वहां से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अब बात है जैसे कि आपने कहा सॉइल का है, बिल्कुल आपकी सॉइल, क्योंकि सॉइल हमारी बहुत तरह की होती है, ब्लैक होती है, व्हाइट होती है, येलो होती है, ब्राउन होती है, और जो वो हर तरह का उसका एक अपना असर होता है। तो सॉइल की एनर्जी को अब हमने रिनी चेक करना है तो हमने अलग अलग वेज हैं, हमारे अलग मेथड्स हैं, हम पानी डाल के भी देखते हैं कि सॉइल पॉजिटिव है कि नहीं, ये घर को ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, हम उसको तुलसी का प्लांट लगाकर भी देखते हैं, थर्ड उसको सेंस करके भी देखते हैं। दीज आर द डिफरेंट वेज आपको चेक करने की है। अगर आप ये सोचते हैं कि सॉइल सही नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, अगर हमारा लॉट है सारिनी, सॉइल सही नहीं है, अब हमने उसको क्या करना है, हमारे को लॉट भी अच्छा मिल रहा है, हम घर भी बिल्टअप करना है, तो सबसे पहले हम जरूर एडवाइस करते हैं बींग अ वास्तु एक्सपर्ट कि एटलीस्ट आप फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट अगर आपने लॉट ले लिया है तो उसको सही समय पे उसमें कुछ डिग कर दिया जाए, मीन्स कि आपको
एनर्जी कहाँ से लेवल करना है, इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड सेप्ट द साउथ वेस्ट। जब अगर आपका घर लॉट नहीं अगर बना नहीं है तो आप पहले ही फाउंडेशन के ऊपर में, जिसको हम कहते हैं कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो रिजल्ट भी आगे भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो उसको फाउंडेशन को पॉजिटिव करने के लिए जहां पे हमें सॉइल एनर्जी सही नहीं मिलती है या अगर हमारे को लॉट अभी हम नहीं काट पाए तो एटलीस्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका जहां हमारे को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मिलता है वहां पर अगर हम कॉपर से रिलेटेड प्रोडक्ट लगा दें और साउथ वेस्ट जहां हमको एनर्जी एंड करनी है वहां पर सिल्वर से रिलेटेड हम एलिमेंट का सिल्वर एलिमेंट कोई भी हम उसका प्रोडक्ट जो डिग कर दें जमीन के बीच में दबा दे उसको, तो वो क्या करेगा बीच के फाइव चक्रास को पॉइंट्स को भी लेवल कर देगा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू रेवा जी, बहुत इन स्टोरी जैसा लगता है जब भी आप बात करते हैं, पर व्हाई कॉपर एंड सिल्वर, इज देयर एनी रीजन? ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में जिसको वाटर एलिमेंट है, अब हमको बैलेंस करना है वहां पे हमको कॉपर लेना ताकि जो भी वहां की नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए। साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द कॉपर जहां पे ही अर्थक्वेक है वहां हम सिल्वर लेकर आएंगे, मींस कि हमने उसको बैलेंस करना है। तो वहां पर हम उस प्लॉट को लेने की जरूर कोशिश करते हैं वहां की सॉइल को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को एक दूसरे के साथ शिफ्ट करने के लिए। कई बार देखा है लोग बोलते थे कि जी हमने एनर्जी ऐसे शिफ्ट कर देते हैं या दूसरी तरह से, लेकिन इट शुड बी ऑलवेज, अगर एनर्जी रिशिफ्ट करना है तो उसके लिए हमारे को बकायदा या पिरामिड्स के साथ में या हम लोग कॉपर सिल्वर के साथ ही उसको प्रॉपर शिफ्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये तो बहुत ही अमेजिंग बातें हैं और ऐसी बातें तो हम हमेशा करते हैं आपके साथ, पर हमारे जो लिसनर है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो रेवा जी क्या हम कॉल्स का सिलसिला चालू करें? जी हाँ, अब ये समय हमारे सभी कॉलर्स के लिए है तो कॉल सिलसिला शुरू करेंगे। डेफिनेटली, तो स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फ्रॉम नाउ ऑन 5107701550। काफी सारे हमारे कॉलर्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो लेट्स टेक द फर्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, गुड आफ्टरनून रेवा जी एंड रितेश जी। गुड आफ्टरनून जी, रितेश जी अभी चले गए, अब आपके साथ हमारी प्यारी रिनी बैठी है। गुड आफ्टरनून। उनका टाइम खत्म हो गया? जी हाँ, रितेश जी का खत्म हो गया, अभी रिनी और रेवा कुमार का है। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने रितेश जी से एक क्वेश्चन पूछना था, आई हैड बीन ऑन होल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं? जी हाँ, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 5109313107 पर। थैंक यू सो मच। 3107। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर नियर विद रेवा कुमार। हेलो, नमस्ते रेवा जी, मैं ऋचा बोल रही हूँ। नमस्ते ऋचा जी। रेवा जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे मुझे मेरी शादी के बाद से कंटिन्यूस कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा लगी हुई है, एंड इट्स बीन 3 इयर्स नाउ, इंक्लूडिंग हेयर फॉल, मेजर प्रॉब्लम या दांतों का जो भी प्रॉब्लम होता है एकदम एक्सट्रीम हो रहा है, तो ये कुछ वास्तु से रिलेटेड है क्या? कहीं पर आपका मास्टर बेडरूम या बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है? किचन, मास्टर बेडरूम और बाथरूम? नहीं रेवा जी, हम लोग जो सोते हैं वो ईस्ट साइड अपना सर रख के सोते हैं। ईस्ट साइड सर करके नहीं, मास्टर बेडरूम की लोकेशन, जैसे कि हम लोग घर देखते हैं हमारा नॉर्थ फेसिंग है, आप घर के एंटर हो रहे हैं, क्या आपका मास्टर बेडरूम या बाथरूम या किचन अगर घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो घर की फीमेल को काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो ऋचा, मेरी आपसे एडवाइस है, आप ये जरूर चेक करिए, करने के बाद में या मुझे नहीं है रेवा जी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है हमारे यहाँ। ओके, देन कम टू दी साउथ ईस्ट, क्या आपका साउथ ईस्ट में बाथरूम है, रेस्टरूम है या बेडरूम है? हाँ जी, साउथ ईस्ट में है। हाँ, इसमें किचन नहीं है? साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में है, तो इसका मतलब आपकी किचन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक का जो आता है एरिया, दिस इज रिलेटेड विद द फीमेल्स। अगर घर की फीमेल्स बीमार होती हैं तो इसका मतलब कि या तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा बाथरूम होगा या बेडरूम होगा, या साउथ ईस्ट में बेडरूम होगा, तो दिस इज द रीजन। तो उसको करने के लिए अगर आपका बेडरूम है और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सबसे पहले अपने बेडरूम के बाहर आप एक तो लगाइए सिल्वर वायर, जरूर लगाइए।
सिल्वर वायर। हाँ जी, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि आपको दांतों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और साथ में हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से जरूर लीजिए, डॉक्टर की मेडिसिन लीजिए, लेकिन साथ ही साथ ताकि जो भी मेडिसिन ले उसका आपको पूरा फायदा हो, उसके लिए आप उसी रूम के अंदर में ग्रीन कलर का, लिसन टू मी, ग्रीन कलर का कोई भी नाइट बल्ब लगा दीजिए। हाँ जी रेवा जी, लगा हुआ है वो कोइंसिडेंसली हमारे। हाँ जी, उसको जलने दीजिए, उसको बंद मत करिए, लेट इट बी, उसको बिल्कुल बंद मत करिए, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा, उसे बंद नहीं करिए। फिर आपको मैं बता रही हूँ, एक बार नॉर्थ ईस्ट भी जरूर जाने की कोशिश करना कि कहीं नॉर्थ ईस्ट आपका डिप्रेस तो नहीं है, या कहीं पे वो बंद तो नहीं है, या कहीं वहां पे स्टोरेज तो नहीं रखा हुआ आपने, कुछ ऐसी जगह हो तो उसको साफ सुथरा कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो जी, हाँ बताएं। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, अगर आप बता सकती हैं तो। देखिए, अगर आपका सवाल कोई डायरेक्शंस को लेके, अगर आप बच्चे के बारे जानना चाहते हैं तो मैं जरूर मदद कर पाऊंगी। हाँ जी, उससे मुझे पूछना है, उसकी बर्थ डेट है सितंबर 5, 1998, उसकी पढ़ाई के बारे में। इसकी पढ़ाई के बारे में पूछना, उसकी पढ़ाई के बारे में आप रितेश जी को कॉल करिए 5109313107 पर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। उससे पहले एक बार फिर से सबको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। तो अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है, अगर आप वास्तु के जरिए थोड़ा बहुत हेल्प अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, रेवा जी से कोई टिप्स लेना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिए 5107701550। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो विनी, नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। हेलो रेवा जी, आपका नंबर चाहिए था मेरे को। जी जरूर, वो है 510 जी 868 3338। थैंक यू सो मच। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। कभी कभी हम रेडियो सुनने में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा लाइन लग गया। लेते हैं अगले कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। रेवा जी नमस्कार, मुझे नमस्कार जी। पूछना था हमारे बेडरूम की डायरेक्शन के बारे में। जी हाँ बताइए। जी हाँ बताएं। वो नॉर्थ साइड में उसका हेड आता है मास्टर बेडरूम का। मास्टर बेडरूम का आप सोते समय नॉर्थ की तरफ सर करके सोती हैं, ये कहना चाहती हैं आप? जी, लेकिन आपका किस डायरेक्शन में बेडरूम है? नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट है। अगर नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं तो वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि हेड हमारा है नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी जिसको हम कहते हैं, और नॉर्थ से जो अर्थ से हमारे को मैग्नेटिक रेज आती हैं वो क्या है कि जब नॉर्थ से नॉर्थ मिलेगा तो रिपल्शन होगी, एक चुंबक कहते हैं ना, एक दूसरे से टकराए तो हो जाता है। तो इसलिए आपको एडवाइस है, सबसे पहले अगर मास्टर बेडरूम चेंज कर सकते हो साउथ वेस्ट में, नहीं चेंज कर सकते तो एटलीस्ट आप नॉर्थ ईस्ट का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उस तरफ अपने बेड को मूव करिए और सर आपका साउथ की तरफ हो। नहीं, वो भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसका, कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप हमारे से डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प ले सकते हैं अगर आप उस रूम को यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पिल्लो का डायरेक्शन फिर भी बदलना जरूर होगा। पिल्लो का हाँ जी, आप नॉर्थ की तरफ सर करके मत सोइए, और इस रूम को सेटअप करने के लिए आप डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प ले सकते हैं जिसको हम एनर्जी शिफ्ट करते हैं, मीन्स कि आप रूम सो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन जो साउथ वेस्ट की रूम की एनर्जी है वो एज इट इज आपके रूम में ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू पिरामिड्स। दीज आर टोटली कस्टमाइज एंड एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जिसको आप लगा के पॉजिटिव रिमार्केबल रिजल्ट पा सकती हैं। तो आप शो के बाद हमें कॉल करें, डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हाय, दिस इज हर्षल सुखा एंड आई वाज वंडरिंग व्हाई आई शुड बिलीव दिस। व्हाई शुड आई बिलीव दिस? ओके, आई विल लेट यू नो व्हाट आर द फैक्ट्स दैट प्रूव दैट दिस इज ट्रू। दैट्स योर राइट, वेरी गुड क्वेश्चन माय डियर। यू हैव आस्क्ड मी दैट व्हाई डू यू बिलीव इट, यू लेट मी नो व्हाई डू वी बिलीव
that we breathe. Why do we breathe? Why do we sense? Why do we smell? Why do we eat? Why do you need water? If you need these five elements, then always remember that it is true. These walls, these dwellings also needs these five elements. If the whole universal, if the whole world doesn't, cannot live without these five elements, then believe it, my dear, we have to take care about these walls also. Why do we? So this is very much necessary. This is a science, architect science. Five elements who helps to balance you. If our body needs, then remember these walls also need these five elements. Thank you so much. I hope you got your answer. Lete agle caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hello. Ji, haan, bataye. Hi, this is Sunita. Yes, Sunita. I would like to talk to Ms. Reva. Yes, you're welcome, dear. Reva Kumar. Ji, haan, bataye. Reva ji, namaskar. Mujhe actually aapse puchna tha ki agar northeast kata ho, ye actually mere paternal parents wahan pe unka hai northeast kata hua hai, and unke southeast mein wo kind of thoda puran wo matlab khula hai in the sense boundary wall hai, magar wahan pe jaise hand pump chhat wat nahi hai, unhone hand pump ka rakha hai, wo hai southeast mein, unhone wo red color ka karke rakha hai, magar wahan pe ek hand pump hai, to agni kon hai साउथ ईस्ट में पानी का है एंड देन नॉर्थ ईस्ट उनका कटा हुआ है, तो आप कुछ रेमेडीज बताइए. जी हाँ, मैं आपको ये रेमेडी बताना चाहूंगी कि सबसे पहले कि नॉर्थ ईस्ट जो कटा हुआ है डिप्रेस्ड है. अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा डिप्रेस्ड होगा तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, कॉस्मिक एनर्जी जो हमें पॉजिटिव्स देती है. हर चीज से हमारे को ब्लेसिंग्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, कम होता है. अगेन दिस एरिया इज रिलेटेड विद द फीमेल. साउथ ईस्ट जहां आप बता रहे हैं कि आपने हैंडपंप लगाया हुआ है, दैट इज ए फायर एरिया. उसको साउथ ईस्ट में वहां पर कहीं पर भी वाटर की आप अवॉइड करिए, तो आपसे जरूर करूंगी कि आप वाटर पंप को हटा दीजिए वहां से. वहां पे वाटर पंप को हटाकर अगर वहां पे कुछ हीटिंग का कुछ भी रख सकते हैं, कोई बारबेक्यू रख सकते हैं, दैट विल बी गुड. लेकिन नॉर्थ जहां से ईस्ट डिप्रेस्ड है, वहां पर अगर आप चाहें तो आप वहां की रेमेडी के लिए सबसे बेस्ट है. अगर आप उसको थोड़ा एक्सटेंड करके थ्रू फेंसिंग के थ्रू अगर आप उसकी शेप दे सकते हैं, दैट इज दी बेस्ट. अगर आप नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उस कॉर्नर के ऊपर में तुलसी का एक जरूर पौधा लगा दीजिए. एक्चुअली फेंसिंग कर सकते हैं, मगर वही है कि वो जमीन के नीचे से करना है या उसको जस्ट थोड़ा सा जैसे चौराहा जैसे मतलब थोड़ा सा ऊंचा करके. अगर आपको जमीन के नीचे से अगर आप पहले थोड़ा सा ऊंचा नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, सीमेंट का वहां कुछ नहीं बनाइए. आपको सिर्फ फेंस करना है, ना कि उसका अर्थ लेवल रेज करना है. अर्थ लेवल बिल्कुल रेज नहीं करिए नॉर्थ ईस्ट का, लेट इट बी फ्लैट जैसे का जैसा. और नीचा होगा ठीक है, नीचे दबाने के लिए आप जरूर आप हमसे ले सकते हैं जो थोड़ा सा सामान रेडी करके देते हैं, दैट इज टोटली कस्टमाइज. उसको डिग कर बाहर आप वुडन फेंसिंग बना सकते हैं या वायर की फेंसिंग बना के या प्लांट्स की फेंसिंग बना के उसको प्रॉपर शेप दे दीजिए. और जहां पर वो डिप्रेस अंदर कर्व आ जाएगा, वहां पर आप कोई तुलसी का पौधा रख सकती हैं. ओके, थैंक यू रेवा जी. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अगले कॉल लेने से पहले एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338, या फिर जरूर चेकआउट करें divineavc@gmail.com. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार. हेलो. जी हाँ, बताएं. आई एम श्वेता. मुझे पूछना था कि अगर बेडरूम नॉर्थ में है, नॉर्थ विच नॉर्थ वेस्ट. देखिए नॉर्थ में है देन इट इज ओके, बट इफ इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, या बेडरूम आपका नॉर्थ में है और रेस्ट आपका मास्टर बाथरूम एंड रेस्ट रूम इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज नॉट गुड. और अगर आप सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है और बाथरूम नॉर्थ में है तो भी गलत है. तो ये देखिए, अगर सिर्फ आपका जीरो डिग्री पे नॉर्थ में स्टार्ट होता है आपका बेडरूम है, नॉट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और बाथरूम आपका नॉर्थ वेस्ट में है, देन इट इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू सो मच. लेते अगले कॉलर. हेलो, यू ऑन एयर विद रेवा कुमार. हेलो. हेलो. हाय, यू ऑन एयर विद रेवा कुमार. हेलो.
हाय, मुझे अपने घर के बारे में पूछना है। जी हाँ, बताएं। घर का नंबर है 15 और इसकी पूरब की तरफ दरवाजा खुलता है, तो हमारे लिए क्या लकी है? अगर आपका ईस्ट के लिए दरवाजा खुलता है, ईस्ट की तरफ खुलने वाला दरवाजा हमेशा लकी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपना वेस्ट की तरफ भी ध्यान दें। ईस्ट में दरवाजा खुलता है, सनलाइट आती है, ड्राइविंग फोर्स आती है, एनर्जी आएगी, घर में आप अपने आप को स्टेग्नेट फील नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही अगर आप घर में, अगर हमारा मास्टर बेडरूम सही जगह पे नहीं होगा या किचन सही जगह पे नहीं होगी, तो यही घर से हमारे को कई बार परेशानी भी आ जाती हैं। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप हमें शो के बाद में पूरा डायरेक्शंस को देके बताइए, ताकि मैं आपको पूरी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और सभी के लिए एक बार फिर से, रेवा जी से अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, उनको अपने घर में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम एक सवाल तो पूछ लेते हैं, पर उसके आजू बाजू में क्या रखा है, कोई एक पिक्चर है या फिर कोई एक मूर्ति है, वो हम मेंशन नहीं कर पाते हैं। एंड वेन एवर यू गेट हर देयर इनसाइड योर हाउस या फिर योर वेयर हाउस या फिर होटल मोटल रेस्टोरेंट लॉट्स कहीं पे भी अगर आप लेके जाते हैं, शी कैन सेंस इट एंड शी कैन चेक everything surrounding that particular house, or isiliye shayad she gets the best advice through vastu science. Chaliye lete agle caller ko. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi Reva ji, namaskar. Namaskar ji, namaskar. Mujhe ye puchna tha ki jo meri kitchen hai, wo meri kitchen north side mein hai. Ji. तो नॉर्थ ईस्ट में मेरा रेफ्रिजरेटर है और नॉर्थ वेस्ट में मेरा माइक्रोवेव है। और कुकिंग स्टोव किधर है? हाँ जी, कुकिंग स्टोव कहाँ है? खाना बनाते तरफ आप किस तरफ फेस करते हैं? वो मेरा बिल, वो खाना बनाते हुए मेरा फेस नॉर्थ की तरफ ही है। नॉर्थ की तरफ ही है, इसका मतलब कि किचन आपका जो फ्रिज है नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, खाना बनाती है नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं, वाटर सिंक ईस्ट में है इस हिसाब से आपका? नहीं, वाटर मेरा वेस्ट में पड़ता है। वाटर आपका वेस्ट में पड़ता है और माइक्रोवेव वाटर के सिंक के साथ है बिल्कुल? हाँ जी, वाटर और माइक्रोवेव साथ साथ पड़े हैं। अगर देखिए, मैंने बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट में किचन परेशानी जरूर लेकर आती है, इसके लिए मैं आपको इजी रेमेडी देती हूँ। एक तो आप अपना बिल्कुल, क्योंकि वाटर सिंक और माइक्रोवेव साथ साथ हैं, तो घर में ये हमारे कई बेवजह के घर में प्रॉब्लम्स लेकर आ जाती है, खासकर आर्गूमेंट्स। उसके लिए आप क्या करें, बिल्कुल घर के सेंटर, किचन के सेंटर में, सॉरी किचन के बिल्कुल सेंटर में आप 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल जरूर हैंग करिए। साथ ही क्योंकि आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खाना बना रही हैं, तो जिससे हमारा फायदा नहीं होता, हमारा नुकसान होता है पैसे का। आपने क्या करना है, जहां आप नॉर्थ की तरफ खाना बना रही हैं, उसी जगह पे नॉर्थ की तरफ में साबुत धनिया, जिसको हम बोलते हैं कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं, उसको छोटी सी किसी बोतल में डाल के वहां रख दीजिए, ताकि आप वहां से पूरा रिजल्ट पा पाए। साबुत धनिया किस तरफ रखना है? जहां किचन के, आप कुकिंग स्टोव के ऊपर जहां नॉर्थ की क्लोजेट है वहां पे रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट के क्लोजेट में? नॉर्थ, नॉर्थ, नॉट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, बिल्कुल कुकिंग स्टोव के ऊपर। नॉर्थ के क्लोजेट में साबुत धनिया वो उसमें डाल के रखना है। हाँ जी, रख दीजिए उसको, दैट विल हेल्प यू लॉट। तो आपने वो दूसरा कौन सा बताया, किचन के मिडल में 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल हैंग कर दीजिए। 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल? बॉल जी हाँ। तो वो किसी उसमें हैंग करना है या कैसे भी? उसके साथ में, उसके साथ में आपको रेड थ्रेड लगा हुआ मिलता है, उसको आप हैंग कर सकती हैं। वो तो वो ये मैं कहाँ से ले सकती हूँ? आप हमें शो के बाद कॉल करिए, हम जरूर बताएंगे आपको कहाँ से मिल सकता है। मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए प्लीज। जी जरूर, इट इज 510 ओके 868 ओके 3338 3338 जी हाँ 3338 ओके। और एक मेरा और था कि मेरा जो बाथरूम है नीचे डाउन से वाला, वो मेरा साउथ में है और वो मेरा स्टेयर्स के नीचे आता है। जी हाँ, स्टेयर्स के नीचे बाथरूम कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता, जनरेशन से जनरेशन कहीं ना कहीं कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज भी लेकर आता है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, आप हमें शो के बाद कॉल करें, मैं आपको डिटेल्स में पूरा जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हाय, क्विक क्वेश्चन अबाउट माय हाउस। मेरे घर में
किचन इज इन द नॉर्थ ईस्ट. जो फ्रंट डोर है वो नॉर्थ में खुलता है लेकिन किचन इज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड लाइक द प्रीवियस लेडी द बाथरूम इज ऑल्सो अंडर देयर बट इट इज इन द नॉर्थ द डाउनस्टेयर्स बाथरूम. जिसको इसको मैं यही बताना चाहूंगी जैसे मैंने अपने प्रीवियस कॉलर को बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन आ जाती है, इनका किचन स्टोव सिर्फ नॉर्थ को टच करता था लेकिन नॉर्थ ईस्ट में रेफ्रिजरेटर था, आपका किचन ही पूरा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है और स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है. सबसे पहले तो मैं आपको सभी लिसनर्स को भी बताना चाहती हूँ कि स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम है तो वो बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है. मैं सभी को अपने पर्सनल जिंदगी के तजुर्बे से 28 साल से इस फील्ड में हूँ अपना रिसर्च अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अगर आप इस रेस्ट रूम को बंद कर देंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा. अगर आप नहीं बंद कर सकते रेमेडी आप ले सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस जरूर दूंगी क्योंकि ये जनरेशन और जनरेशन से बीमारी के साथ में कोई सीरियस हेल्थ इश्यू लेकर आता है. सेकेंडरी आ जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट में जहां किचन है, नॉर्थ ईस्ट की किचन करने के लिए बिकॉज दैट लेडी वॉज फेसिंग द प्रीवियस कॉलर्स वॉज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वाइल्ड कुकिंग तो उनको हमने ये रेमेडी दी. अगर आपका कुकिंग स्टोव नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, अगर वाइल्ड इफ योर वाइफ इज कुकिंग एंड शी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट तो आप अपने कुकिंग स्टोव के पास में चारों तरफ सिल्वर वायर लगा दीजिए. सिल्वर वायर? जी हाँ, सिल्वर वायर लगाइए और कुकिंग स्टोव के बिल्कुल ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट वॉल और ये वहां एक मिरर भी लगा दीजिए. मिरर कैबिनेट के अंदर या कैबिनेट के? कैबिनेट के बाहर, वो विजिबल होना चाहिए कैबिनेट के बाहर. ओके ओके. एंड वन मोर थिंग, जो बाथरूम है अंडर द स्टेयर्स दैट्स वो गेस्ट बाथरूम है तो बेयरली यूज होता है. नहीं, चाहे आप गेस्ट बाथरूम कहिए चाहे कुछ है, वाटर एलिमेंट इज देयर. उसको ये मत सोचिए कि अभी गेस्ट के लिए यूज करते हैं हम नहीं करते या नहीं है. जी नहीं, ऐसा नहीं है. चाहे वो गेस्ट बाथरूम हो, चाहे वहां लॉन्ड्री हो, चाहे वहां पे किचन हो, स्टेयर्स के नीचे पूजा की जगह हो, ये बहुत ही हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देती है. ओके ओके ओके. एंड हमारे मास्टर बेडरूम भी साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, इज दैट ऑल्सो लाइक नेगेटिव? नो, मास्टर बाथरूम यू आर सेइंग? मास्टर बेडरूम तो नॉर्थ ईस्ट में ही है ऑन द अपर फ्लोर, लेकिन मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है. मास्टर बेडरूम, देखिए आप कह रहे हैं कि मास्टर बेडरूम इज इन साउथ वेस्ट, दैट इज वेरी गुड. That's good. That's okay. Very good. And one bedroom you are saying it is in the northeast also. आप बता रहे हैं नीचे किचन के ऊपर में है, वो क्या है? वो मास्टर बाथरूम है. वो मास्टर बाथरूम तो दैट इज रॉन्ग. इसका मतलब कि जहां मास्टर बेडरूम ठीक है, इस घर में आपको कहीं ना कहीं फीमेल्स के घर की लेडीज को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर रेस्ट रूम है, टॉयलेट है, प्लस साथ ही साथ में आप कहते हैं कि किचन भी है तो जो भी हमारी कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारी बिगनिंग से ही जहां से शुरू होनी है वहीं से ही बर्न कर रही है तो घर की फीमेल्स को कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं. एंड इफ यू आर आपके बच्चे हैं तो नहीं. तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी कि आप चल सकते हैं क्योंकि गॉड ब्लेस यू फॉर 100 इयर्स, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है. लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होता है या किचन होता है तो उस घर में बॉयज की थोड़ी कमी होती है तो उसके लिए आप रेमेडी चाहें तो आप ले सकते हैं. यू कैन कॉल मी, यू कैन टॉक टू मी आफ्टर द शो ऑल्सो. ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. कॉलर्स भी है और ट्रिविया भी करना है, एक चूज कीजिए कौन सा करना है रिवा जी. उसका कोई जवाब मेरे पास में नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है और शालिनी जी हमारे साथ आके बैठी हैं तो अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस लें तो आज चलिए हम सवाल ही लेते हैं, मतलब कॉलर्स को ही लेते हैं. चलिए लेते हैं ना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्रेशर्स होते हैं. लेते अगले कॉलर. हेलो, यू ऑन एयर विद रिवा कुमार. नमस्ते रेवा जी, दिस इज दिव्या. नमस्कार जी. नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है जी. पता रेवा जी, मुझे मेरा भी क्वेश्चन किचन से ही रिलेटेड है. जी हाँ. मेरा लाइक किचन भी नॉर्थ ईस्ट में ही है लेकिन जब मैं कुकिंग करती हूँ तो आई फेस्ड नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट एंड सिंक मेरा ईस्ट में है एंड सिंक के जस्ट ऊपर हमने माइक्रोवेव रखा हुआ है.
एंड उसकी साइड में हमारे में ईस्ट की तरफ बहुत बड़ी विंडो है जो हम खोल के रखते हैं. तो इसमें इज इट ओके? वही किचन हमारी फिर गलत जगह पे आ रही है. सबसे पहले तो आप एक काम करिए, वाइल्ड कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, आपको रेमेडी थोड़ी अलग करके मैं दूंगी. जहां पर आपका कुकिंग स्टोव है, जहां आप खाना बनाते हैं, उस स्टोव के पास में बिल्कुल पैरेलल में तीन येलो लाइन पेंट कर दीजिए. 1, 2, 3, जस्ट पेंट 3 येलो लाइन्स. ओके, ठीक है. सेकेंडरी आप क्रिस्टल बॉल जरूर हैंग करिए, क्योंकि वाटर सिंक एंड माइक्रोवेव, फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर. तो घर में अगर मदर इन लॉ रह रहे हैं तो कोई ना कोई इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे आपके उनके साथ में. तो अगर आप वहां पे क्रिस्टल हैंग करेंगी तो थोड़ी नेगेटिविटी कम कर सकेंगी. थर्ड, ईस्ट की विंडो आपके पास में है, दैट्स वेरी गुड. जहां पर आपको ईस्ट की विंडो मिलती है वहां पर आप 3 चाइनीज स्टिक, जहां वाटर सिंक भी है आपका ईस्ट की तरफ, वहां 3 चाइनीज स्टिक का बैम्बू प्लांट जरूर रखिए, टाई विथ रेड ड्रिवन, पुट वन पेनी ऑल्सो. और जहां आपको साउथ ईस्ट आपके घर का आता है, ध्यान से 135 डिग्री के ऊपर में, जहां आपको साउथ ईस्ट 135 डिग्री पे नजर आए वहां पर आप रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए घर के अंदर. ओके, दैट विल हेल्प अस. ओके, ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और सभी लिसनर्स से यही बताना चाहती हूँ सभी को कि जी हाँ, हम रेडियो पे कॉल करके थोड़ा बहुत सवाल तो पूछ ही लेते हैं, पर रेवा जी को लेके जाने में एक अलग सा ही अनुभूति है. वो भी आपको पाना चाहिए, क्योंकि रेवा जी जब भी आपके घर या फिर आपके बिजनेस या फिर आपके लॉट पे जाते हैं तो शी डज समथिंग अमेजिंग. शी सेंसेस ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड शी इवन सेंसेस इफ देयर इज समथिंग वेरी गुड टू हैपन. तो इसी बात के लिए आपको लेके जाना चाहिए रेवा जी को. कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर है 5108683338. आई रिपीट 5108683338. या फिर आप जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. मैं इस पर एक चीज थोड़ा सा अपना रिनी बताना चाहती हूँ अभी सभी लिसनर्स को. मैं आपको कुछ चीजें बता के जा रही हूँ नेक्स्ट शो तक के लिए. अगर आपके घर में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप जरूर जानिए कि उसको क्या हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं. जैसे कि साउथ ईस्ट, बहुत ज्यादा मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं, लिसनर्स कॉलर्स भी हैं साउथ ईस्ट में. अगर आप सोचते हैं कि साउथ ईस्ट इज कट ऑफ, इफ इट इज ब्लॉक्ड, if there is a extension towards the southeast, if there is any wall or water element in the southeast, if bathroom or toilet is in the southeast, if there is, you can say, there is, we don't have kitchen in the southeast, or southeast is lower than the northeast or higher than the southwest, और बेडरूम इज इन द साउथ ईस्ट. तो लिसनर्स, अगर आप इन सब चीजों से, इन पॉइंट्स के साथ में जुड़े हुए हैं तो जरूर आप अपना सवाल मेरे से कर सकते हैं और उसका सलूशन पा सकते हैं. बिकॉज एक्चुअली दिस एरिया, अगर हमारा यहां पर किचन होता है, जिसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूं दैट द किचन शुड बी इन द साउथ ईस्ट. इफ आवर किचन इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट बिकॉज इट इज डोमिनेटेड बाय द साउथ ईस्ट डोमिनेटेड बाय द मार्स एंड द ईस्ट साउथ ईस्ट इज डोमिनेटेड बाय द वीनस. तो मार्स और वीनस को हम इन दोनों को लेके चलते हैं क्योंकि उसका प्लैनेट वीनस होता है. तो वहां पर अगर आप इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दैट इज अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स अगर आप लगाते हैं एंड दैट शुड बी माउंटेड इन द सेंटर ऑफ द किचन और वेयर वी रिकमेंड यू कि इस वॉल पे या सीलिंग पे लगाएं, तो आप ये देखिए कि यही आपको नेगेटिविटी खत्म करके आपको पूरा पूरा फायदा देती है. सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ you. If any of you, any of the listener, if they are having southeast cutoff or block or the master bedroom is in the southeast or extension towards the southeast, there is no kitchen in the southeast, water element or the swimming pool, or you can say that if it is lower than the northeast or higher than the lower than the northeast and higher than the southwest, to aapse meri zarur hai ki zarur aap janne ki koshish karein ki iska kya solution hai, how we can rectify this, because this gives the females ko ghar mein कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं. यहां तक कि पर्सनल रिलेशंस में ब्रेकअप्स आ जाते हैं, डिवोर्सेस आ जाते हैं, लिटिगेशंस आ जाते हैं, कर्ज आ जाता है. इन सब चीजों से हम बहुत छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं.
वाओ, दैट इज अ हैंडफुल ऑफ थिंग आई शुड से, पर ये तो बहुत ही छोटी मोटी चीज है। अगर आप इससे भी ज्यादा हेल्प पाना चाहते हैं, रेवा जी से वास्तु के जरिए अपने जिंदगी को सुधारना चाहते हैं और छोटी छोटी खुशियां लाना चाहते हैं, तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट कीजिए और रेवा जी के साथ, एंड डेफिनेटली गेट अ कंसल्टेशन। नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। जरूर चेकआउट करें divinevastu.net और यू नो जस्ट गेट इन टच विथ हर, यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स वेटिंग इन योर लाइफ। रिवा जी, एक सवाल है जो काफी दिनों से आपने उसके बारे में चर्चा नहीं किया, तो इसीलिए मैं उस सवाल को करना चाहती हूँ। वो ये है अबाउट द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु फ्रेंड्स। जी हाँ बिल्कुल, वो तो हमेशा ही याद रहता है कि मैं अपने सभी लिसनर्स को, सभी फॉलोअर्स को कहती हूँ, कम फॉरवर्ड इफ यू पीपल आर रियली बेनिफिटेड बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल्स, कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन दिस डिवाइन वर्ल्ड ऑफ आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग। जी हाँ, आप इसको ज्वाइन करिए, कम टू अस, फेसबुक पे आइए और स्प्रेड दिस वर्ड, मेक वास्तु योर फ्रेंड एंड गेट द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। दिस इज वॉट आई ऑलवेज रिकमेंड। सिंपली जैसे कि अभी ये कॉलर ने कहा था कि व्हाई डू आई बिलीव, जी हाँ, ये बिलीव करके तो देखिए आप, इफ यू थिंक दैट समथिंग, सम नेगेटिविटी इज हैपनिंग विथ यू, इफ यू आर डूइंग सो गुड बट नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट्स कहीं किसी भी वजह से, इट मीन्स देयर इज अ वास्तु डिफेक्ट। और उसकी एक छोटी सी वास्तु की रेमेडी को आप अपनाएं, उसको करिए, उसको फॉलोअप करिए, एक सोने के तरीकों को ही थोड़ा सा चेंज करके देखें कि अगर आपका सर साउथ की तरफ है देन हाउ डू यू फील, फिर मैं जानूंगी कि आप मुझे खुद बताएंगे येस आई डू बिलीव इन वास्तु। जब मैं इस जगह पे आई थी, वास्तु की जगह पे, आज से 28 साल पहले जब मैं आपके एज ग्रुप में हुई थी, मैं भी यही कहती थी 28-29 व्हेन आई वाज ओल्ड कि व्हाट इज वास्तु, आई डोंट बिलीव। लेकिन वास्तु ने मुझे खुद बुलाया, वास्तु ने मेरी जिंदगी में एक ऐसी चीज ले गया कि जिसने मुझे आज बिलीव करा के आज मुझे वास्तु के साथ जोड़ दिया। सो ट्राई टू फॉलो इट, आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिलीव इट, नो नो नो, आई ऑलवेज से येस ट्राई टू फॉलो, ट्राई टू अडॉप्ट इट, मेक वास्तु एज अ फ्रेंड एंड देन सी दिस इज नॉट अ मिरेकल, दिस इज नॉट अ ब्लैक मैजिक, बट रिजल्ट्स आर रिमार्केबल, सिंपली यू हैव टू बैलेंस दीज फाइव एलिमेंट्स, दिस इज वॉट आई से। That is wonderful. तो आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे पता है कि आप सब यू नो यू ऑलवेज फील के बहुत ही कम होता है यार टाइम, पता नहीं कैसे एकदम उड़ जाते हैं, पर क्या करें, ऐसा ही होता है, दुनिया का नियम ऐसा ही है। पर कोई बात नहीं, आप रेवा जी से अपॉइंटमेंट कर ही सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। नंबर है 5108683338, ईमेल है divineavc@gmail.com और वेबसाइट है divinevastu.net। हमेशा जुड़े रहिए रेवा कुमार के साथ। अगर आप इससे भी ज्यादा बातें इनसे करना चाहते हैं, इनसे सुनना चाहते हैं इनके मधुर मधुर आवाज में, तो लौट के आइए नेक्स्ट ट्यूसडे इन इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार, और नेक्स्ट थर्सडे रेवा जी एंड रितेश कुमार लेके आएंगे डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। रेवा जी, आपने तो बैग गहनो ऑलरेडी आपने सवारने का सोच लिया है, पर एक टिप तो बनता ही है हमारे लिसनर के लिए। बिल्कुल, टिप दिए बिना मैं जाने वाली हूँ। और आज हमारे साथ काफी कॉलर्स थे जिनको मैंने क्रिस्टल के लिए बताया था। यस, क्रिस्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरली ऑकरिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सो क्रिस्टल पिरामिड्स और द क्रिस्टल बॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वार्ट्ज क्रिस्टल केप्ट इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम हेल्प इन हार्मोनाइजिंग फैमिली रिलेशंस, दीज आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ एंड सक्सेस इन फाइनेंशियल मैटर्स ऑल्सो, हैंग योर रेलिवेंट क्रिस्टल इन द एरिया ऑफ ए रूम वेयर आउट डू यू फील दैट देर इज अ वास्तु डिफेक्ट एंड ट्राई टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। दैट इज वंडरफुल। इसी के साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए रेडियो जिंदगी के साथ धमाकेदार चलते चलते इवनिंग में, एक गर्मा गर्म चाय के प्याले के साथ आ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारी शालिनी, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550। शालिनी के साथ जुड़ के वैसे ही चाय का मजा आ जाता है, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आई रियली एंजॉय। आप पकौड़े नहीं लाए वो पकौड़े अमित गंभीर खिलाएंगे हमारे साथ। अमित गंभीर इज ब्रिंगिंग पकौड़ा फॉर अस। ओके, आई एम जस्ट होपिंग फॉर सम पकौड़े एंड चाय विथ शालिनी। आप भी जुड़े रहिए और एकदम मस्त होके सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM। खुद से कहिए जिए जा।